इस पूरी दुनिया में जितना भी पानी है वो लगातार रिसाइकल हो रहा है, और इसमें वो पानी भी शामिल है जो डायनासोर्स पिया करते थे। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट, एक ऐसी सीरीज जिसको देखने के बाद आप कहेंगे ओ माय गॉड। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हो मैटी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ब्रूस ली को कौन नहीं जानता, अपने टाइम के लेजेंड। वो जब भी एक मूवी का फाइट सीन शूट किया करते थे तो उनके मूव्स इतने ज्यादा फास्ट होते थे, इतने ज्यादा तेज होते थे कि बाद में जो एडिटर्स हैं उनको एडिट करके उनके मूव्स को स्लो डाउन करना पड़ता था ताकि देखने वाले को समझ आ सके कि ब्रूस ली ने किसको मुक्का मारा है, किसको लात मारी और कौन किधर पड़ा हुआ है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि रियल लाइफ में उनके जो मूव्स थे वो किस कदर फास्ट हुआ करते थे। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के जो क्रिकेटर हैं जॉन्टी रोड्स, उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा है इंडिया। ये उन्होंने इंस्पायर हुआ है इंडिया जो कंट्री है उसके नाम से। उनका ये कहना है कि जो इंडियन कल्चर है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी का ही नाम इंडिया के नाम पर रख दिया। CIA रोज 50 लाख ट्वीट्स को पढ़ती है और उसको ऑब्जर्व करती है। अंटार्कटिका में कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जहां तकरीबन 20 लाख साल से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। दोस्तों, दुनिया की सबसे जो शॉर्टेस्ट वॉर थी, जो सबसे कम टाइम में लड़ी गई लड़ाई थी, वो हुई थी जंगीबार और ब्रिटेन में, और जंगीबार में 38 मिनट के अंदर ही सरेंडर कर लिया था। दोस्तों, जो अमेरिकन सीक्रेट सर्विस है उन्होंने एक बार हिटलर के साथ बहुत ही गंदा काम करने का प्लान बनाया। उन्होंने क्या किया कि हिटलर के खाने में पकने वाली जो गाजर थी उसके अंदर फीमेल हार्मोन टाइप के कुछ इंजेक्शंस डाल दिए ताकि हिटलर इनको खाए और वो नामर्द बन जाए। जैसे वो एक थी ना कि मैं हिजड़ों की फौज बनाऊंगा, कुछ इसी सिलसिले में और इसी इरादे में उन्होंने किया। तो इस दुनिया में 20% लोग ऐसे हैं जिनको खाने में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको खाने से उनको एलर्जी हो जाती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है। एक्चुअली दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जिनको असल में खाने में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि अगर वो खा लें तो उन्हें उस चीज़ से एलर्जी होती है। आपको किस चीज़ से एलर्जी होती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या आपको पता है कि जो गिलहरी होती है वो हजारों पेड़ उगा सकती है। दरअसल ये जब भी कोई चीज़ खाती है, खाना खाती है, तो ये गड्ढा खोदती है और उसके अंदर बचा हुआ खाना डाल देती है। अब उस खाने के अंदर कुछ बीज भी होते हैं, इन बीज की वजह से कुछ टाइम के बाद वहाँ पर कोई ना कोई दरख्त उग जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको इनमें से कोई भी फैक्ट अच्छा लगा तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मस्ट है, शेयर करना मस्ट है। अगर आपका भी कोई फैक्ट हो जो आप मुझे रेकमेंड करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।